नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं रीतिका राजपूत। अगर मैं बात करूं डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से उनके प्रपोजल जो है वो गजट में शामिल कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो भी पब्लिक है उन्हें 21 मार्च तक का समय दिया गया है कि उनके जो भी ऑब्जेक्शन हैं वो बाहर निकाल के रख सकते हैं। और इसी पे हम बातचीत करने के लिए आज आपने साथ लाया यूनाइटेड फ्रंट बलेसा के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि लोग आखिरकार क्या चाहते हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं या फिर क्या क्या सजेशन हैं जो वो आगे निकाल के रखना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, क्या कहते हैं आपकी तरफ से, क्या सजेशन या फिर क्या ऑब्जेक्शन हैं जो आप डिलिमिटेशन कमीशन को रखना चाहते हैं? मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इससे पहले भी हमने डिलिमिटेशन कमीशन के पास जाकर किश्तवाड़ में हम चले गए थे और उन्होंने हमें बुलाया था, और 6 तारीख को उन्होंने जब हमें बुलाया तो 8 तारीख को हम वहां पर गए और हमने वहां पर पूरे तरीके से उनको एक रेजोल्यूशन, एक पॉपुलेशन का एक वो रिकॉर्ड और उसके साथ साथ हमने वो एक इलाके का जो है बलेसा का वहाँ एक नक्शा हमने उनको पेश किया और उनसे ये बात की हमने कि इससे पहले की सरकार जो थी उन्होंने हमारे साथ ज्यादा की इलाके के साथ 1951 से लेकर 1967 तक वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका नाम था भोंजवा बलेस कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उस वक्त वहाँ के एक पर्सनल, वहाँ बलेस के एक आदमी ने लस्सा मलक उनका नाम था, उन्होंने इलेक्शन जीता था और बुजुर्गवा का जो एक उनका मध्य मुकाबिल था अब्दुल गनी गोनी वो हार गए थे इलेक्शन। जब उस सरकार ने देखा कि ऐलान उन्होंने जबरदस्ती उस अपने कांग्रेस के आदमी का किया और उसने देखा कि यहाँ ये लोग जो है अब होशियार हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ उस दौर में, तो उन्होंने उसको बलेसा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को इंद्रवाल किश्तवाड़ के साथ लगाया और दूसरे हिस्से को भदरवा के साथ लगाया गया, और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद सार कहीं, धड़ कहीं, बाजू कहीं, टांग कहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अब बड़ी मुश्किल से एक वक्त आया था कि हमें उम्मीद जागी थी कि इस दौर में अब जो है हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें बुलाया और 20वीं वफूद जो हैं बलेसा के डिलिमिटेशन कमीशन किश्तवाड़ से मिले, और उसमें मैं एक चेयरमैन की हैसियत से, यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद हनीफ मलिक भी उनके साथ मिला और उस कमीशन ने जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से सुना और हमें उम्मीद जागी थी कि बलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग की जाएगी। और हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई तो बलेसा को पुराने उस रीति और रिवाज के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि इंद्रवाल और किश्तवाड़ को छोड़ दिया और बलेसा के एक इलाके को डोडा के साथ मुंसलिक कर दिया और एक इलाके को, आधे इलाके को जो है भदरवा के साथ, यानी बलेसा के लिए उनको ये दिल में बात नहीं आई कि बलेसा के लोग अपनी टांगों पे खड़े होकर अपने आदमी को वहां से चुने। तो उन्होंने भी उस पुराने रिवाज को बरकरार रखते हुए हमारे बलेसा के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, और उस ज्यादती के लिए हमने बार बार अपने जो जोमा हैं उनसे भी हर तरीके के लोगों से हमने मुलाकातें की और उनको ये बता दिया कि हमको जो है भलेसा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाए, जबकि भलेसा में इस वक्त जो है वहाँ 3 तहसीलें हैं, सिर्फ भलेस भलेस की 3 तहसीलें हैं और 2 तहसीलें अंडर प्रोसेस हैं, उनका आर्डर पुरानी सरकार ने किया है लेकिन नई सरकार ने उनको चालू नहीं किया। तो इस तरीके से 5 तहसीलें हैं और सीडी ब्लॉक जो है 5 ब्लॉक हैं, 11 नायाबते हैं, 365 जो हैं 65 पंचायतें हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी उनको अपना मशवरा दिया था कि अगर बलेस पूरा नहीं होता है तो थाठी का इलाका उसके साथ जोड़ दिया जाए, और इस वक्त थाठी का भी इलाका उसके साथ जोड़ दिया गया है बलेसा के आधे हिस्से के साथ, लेकिन फिर भी नाम जो है डोडा और दूसरी सीट जो डोडा वेस्ट की रखी गई, यानी 2 सीटें सिर्फ डोडा के नाम पर बनाई गई हैं। तो हमें ये बड़ा अफसोस हुआ है कि होना ये तो ये चाहिए था कि अगर नई आधी करके बलेस को आधा ही कर दिया था क्योंकि दूसरा ही जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चिल्ली पिंगल उसका नाम रखा जाता, कहरा नाम उसका रखा जाता, थासी राम रखा जाता, तो फिर भी ये है कि तवाजुन बढ़ जाता कि हाँ जी किसी गांव या कस्बे का नाम रखा, लेकिन उन्हें डोडा, एक को डोडा रखा। और डोडा में भी क्या किया कि डोडा के प्रॉपर डोडा को आधा वेस्ट के साथ लगा दिया, आधा जो है डोडा के साथ लगा दिया। तो बलेसा को 2 हिस्सों में तकसीम करके आधे को लगाया भदरवा के साथ और आधे बलेसा को लगाया डोडा के साथ। तो इस तरीके से हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम ये ऑब्जेक्शन अभी भी डिलिमिटेशन के साथ करते हैं। उनके साथ साथ हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, अमित शाह जी से गुजारिश करते हैं, राजनाथ जी हैं और यहाँ के रविंदर रैना जी हैं वगैरह वगैरह, हमारे ये जोमा हैं बीजेपी के,
इनसे गुजारिश करते हैं कि कम से कम आप इंसानों का ख्याल करें। आपने तो ये कहा था सबका साथ सबका विकास, कहां गया वो सबका साथ सबका विकास? कम से कम आपको देखना चाहिए जब लोग 20 वफूद आपसे मिले, उन्होंने ये कहा कि भलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग कर दी जाए, तो क्या वजह है उन लोगों की बात नहीं सुनी और भलेसा के बदले आपने डोडा के साथ भलेसा के लोगों को 150 किलोमीटर उनको चलकर आना? कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग ने 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा भी रखा है और जो सार्वजनिक बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं वो आके करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से फिर क्या उनको रिस्पांस रहेगा उस वक्त? क्या आपको भी मौका मिलेगा जो आप इश्यूज, जो सजेशंस आप निकाल रहे हैं पब्लिक की, काफी खफा हैं लोग, तो ये चीज क्या उनके सामने रखी जाएगी फिर? बिल्कुल हम रखेंगे, लेकिन तब रखेंगे जब वो हमें मौका देंगे। हमें मौका नहीं मिलता है जब यहाँ में भलेसा यहाँ से 350 किलोमीटर दूर और वहाँ जो हमारा भलेसा इलाका है वो सैकड़ों किलोमीटर चारों तरफ से सब डिवीजन से दूर है और वहाँ अभी रोडें नहीं हैं, वहाँ बाकी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ तो छोटे छोटे मुद्दे हैं वहाँ। तो अगर हमें मौका मिला हम वहां से आकर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलेंगे जिस तरीके से पहले हम मिले, लेकिन पहले मिलकर कोई रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि देर से उनका जो है उनकी जमीन जो है देर से जागेगी, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से भलेसा के लोगों से उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सुनने वाला कोई होना चाहिए। अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो ये तो अंधेर कर दी। भलेसा के लोगों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जाके सब चीजें अगर होती हैं, इलेक्शन भी कहीं ना कहीं होती हैं, तो वो होती हैं आम जनता के लिए, उनके भले के लिए, उनके लिए जो काम नहीं हुए हों कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए, तो क्या कुछ दिक्कतें वहाँ पे लोग देखते हैं जो आगे तक नहीं पहुँच पाई अब तक? मैं कहता हूँ कि भलेसा एक ऐसा इलाका है, भलेस का नाम भले लोगों का देश है, यानी अच्छे लोगों का देश, वो बहुत प्यार देते हैं सबको। जिस तरीके से जो भी कोई वहां आता है, मेहमान आता है, कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी आता है, उसको रिस्पांस देते हैं, उसको इज्जत देते हैं और अपनी गुजारिश पेश करते हैं। लेकिन वहां भलेसा जो है इस वक्त वहां पानी, बिजली, खिताई चिनाब से बिजली निकलती है, लेकिन बिजली वहां पर 2 घंटे आती है ज्यादा से ज्यादा। बिजली की आंख मचोली ये है कि वहां कोई भी ये जो ऑफलाइन क्लासें होती थी तो उसमें कभी बच्चे पढ़ नहीं सके क्योंकि बिजली नहीं होती थी। उसके अलावा जो है पानी का वहाँ अभी इंतजाम नहीं है, वहाँ बाकी चीज़ें, वहाँ कोई भी इंतजाम मुकम्मल नहीं होते हैं। भलेसा में इस वक्त भी अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उसके साथ साथ अब एक उम्मीद जागी थी कि डिलिमिटेशन कमीशन, जबकि ये 26 में होना था 2026 में, लेकिन इन्होंने पहले ही ये किया इसलिए कि इनकी हुकूमत है, ये जो चाहे कर सकते हैं, हमारी ये सरकार है बीजेपी की, लेकिन अब इनको भी वो काम करना चाहिए कि जो लोगों के मफाद में हो। चारों तरफ से इस वक्त अफरा तफरी है, यहाँ पीएचई के डेली विजर्स यहाँ 60,000 बेरोजगार हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए वो अपनी फरियाद लगाते हैं, उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। यहाँ हेल्थ में छोटी छोटी बहनें हमारी यहाँ पर 7 साल, 5 साल, 6 साल से काम कर रही हैं और उनको जब यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मांग की, उनको लाठियां यहाँ बरसाई गई। तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको ये कहा जाता है, अगर वो जोर से बोलता है वो हुकूमत को निशाना बनाता है या कोई गुजारिश भी वो थोड़े गुस्से से या तेजी से करता है उसको कहते हैं ये देशद्रोही है। ये क्योंकि वो देशद्रोही इसलिए है कि वो इस सरकार को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए था, यानी इनके हिसाब से। तो जमहूरियत तो ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया था उस संविधान में हर मजहब के लोगों को, हर इंसान को, छोटे बड़े को अपना हक जो है बोलने का, तहरीरी तौर पर लिखने का उनको अधिकार दिया था। तो वो मैं कहता हूँ उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन आखिर में है उसके नक्शे कदम पर ये चलने के बजाय जो है उनके खिलाफ, उनके उसूलों के खिलाफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा एक सिलसिला जो है, मैं कहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से ये इनको नहीं चलना चाहिए, इनको बड़े प्यार से लोगों के बीच में जाना चाहिए और ग्राउंड पे आकर जो है लोगों की समस्या को देखना चाहिए और उस समस्या को हल करने के लिए। अब तक की अगर मैं बात करूँ, आयोग ने एनसी के जो 3 लोकसभा के जो सदस्य हैं एनसी के, उनके द्वारा साइंड एक डिटेल जो नोट है, असहमति नोट जो है, वो उन्होंने अभी तक उन तक पहुंचा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आपसे अर्ज करूं कि किस किस बात पे इस पर जो है नोटिस ली जाए, क्योंकि पूरी की पूरी सीटें जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो उथल पुथल है, रजौरी को अनंतनाग के साथ लगा दिया गया, जो कि घूमकर 3-4 दिन के बाद जो वहां के लोग जो एमपी बनेगा उसके पास जाना पड़ेगा।
इस तरीके से ये कौन सी सीट की बात करते हैं, एक सीट भी यहाँ पर लोग मुतमाइन नहीं है किस किस चीज को ये ठीक करेंगे। ये इन्होंने वहां बैठकर जो दिल्ली बैठकर उन्होंने काम किया है, बेशक उनका यहाँ का एक वर्कर जो होगा, उनका एक प्रेसिडेंट होगा, उनका सेक्रेटरी होगा, वो लोग उनके उनको बता दिया होगा उन्होंने कि ये ऐसे करना ऐसे करना, क्योंकि हिस्से किए इन्होंने। एक मैं थाठी की बात करूं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिया है, उसकी एक तहसील है फेक्सो, उसमें एक पंचायत को डाल दिया है कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरी पंचायत को डाल दिया है डोडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो बड़ी हैरानगी की बात है। अब एक घर में भी कुछ वोटरों को इनको तकसीम करना चाहिए, जो ये इनको अंदाजा हो कि ये बीजेपी का वोटर है उसको उठाकर लगा देना चाहिए उस सीट में कि जो उनके मनपसंद सीट हो, और जो दूसरा बीजेपी के अलावा जो बाकी वोटर होंगे उनको दूसरी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लोगों के मन की मर्जी की बात नहीं है, ये उन्होंने अपनी मर्जी अपने कहीं बैठे बिठाए जो है वो नक्शा बना रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारा जो है जो ग्राउंड में हम कैंडिडेट को डालेंगे वो कैसे जीतेगा। तो लोगों के हित के लिए काम नहीं हो रहा है, ये लोगों के खिलाफ हो रहा है, और मैं लोगों से फिर ये अपील करूंगा कि जहां जहां भी जिस जिस तरीके से भी ये डाल रहे हैं आपको होशियार होना चाहिए, आपके अपने अपने इलाकों की बात करनी चाहिए, और यहां बिल्कुल डट कर उनके मुखालिफ जो है वोट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने सुना लोगों के हित को लेके परिसीमन आयोग की तरफ से जो एक टाइमलाइन निकाल के रखी गई है कि 21 मार्च तक आप लोग अपने सजेशंस जो हैं, आपने जो भी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो आप लोग बाहर निकाल के रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बलेसा की तरफ से जो ऑब्जेक्शन जो सजेशंस फिलहाल के लिए कुछ ही जो है हमने आप तक निकाल के पहुंचाए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बाकी के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग जितने भी, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो चाहे वो कोई लोकल्स हो, उनके व्यूज भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, कैमरामैन अनमोल के साथ धन्यवाद।